हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सलमान और आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों क्रेजी केस ऑनलाइन लोन ऐप एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन भी अभी नई नई आई है और काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड इस एप्लीकेशन ने कर लिए हैं और आपको देने वाली है लोन। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में भी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट और बहुत इंस्टेंट अमाउंट आपको मिलता है लोन, अगर आप सही तरीके से जानकारी डालते हो। तो दोस्तों बने रहना है वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बता दूँगा जिससे आपको मिलेगा लोन। तो बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, मेरा बहुत कुछ होगा, मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। तो दोस्तों क्रेजी केस ऑनलाइन लोन ऐप एप्लीकेशन के जो डाउनलोड से वो आपको दिखाई दे रहे हैं 50,000 और 4.2 का रिव्यू और रेटेड आपको 3+ का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको देने वाली है अमाउंट बहुत ही जल्दी। तो इससे लोन लेने के लिए आपको दोस्तों करना क्या है, पहले आपको इसके जो सारी जानकारी जान लेनी, डेवलपर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर इसका जो मेल एड्रेस है वो जान लेना है, ये मेल एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों अबाउट दिस ऐप में जाना है। अबाउट दिस ऐप में जाने के बाद दोस्तों आपको इसका अबाउट में यानी कि दोस्तों सारी जानकारी आपको ले लेनी है। इंडियन ऑनलाइन फाइनेंस IBC है, हैप्पी लाइफ, लोन अमाउंट फ्रॉम 1,000 से लगाकर 2,00,000 तक का अमाउंट देने का ये इसमें दावा कर रहा है। और इसमें आपको इसने क्रेजी केस ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन इसने सारी जानकारी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड दी है, ये सारी जानकारी। और लोन टाइप में आपको इसने ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन बताए हैं, टेनर रेंजिंग 91 दिन से लगाकर 6 मंथ्स तक का इसने लोन टाइप्स भी बताए हैं। और यहाँ आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक लोन अमाउंट लेकर दिखाए हैं कि अगर आप 50,000 का लोन अमाउंट लेते हो तो आपको 12 महीने का अगर टेनर रहता है तो कितना जो ब्याज लगेगा और कितने महीने की किस्त और क्या किस्त आएगी, ये भी इसने GST कितनी लगेगी सारी जानकारी इसने बताई है। इसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अदर ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन यानी कि अगर आप अदर ऑनलाइन लोन एग्जांपल भी इसने बताए हैं आप लोगे तो आपको क्या क्या लगेगा, वो भी इसने सारी जानकारियां दी है। और फीचर्स में इसने बताए हैं दोस्तों ये 3 चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। 100% ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है, फंड सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट बाय एडवांस सर्वर, और लोन ट्रांसफ़र वीआई बैंक, डायरेक्ट आपके बैंक में लोन अमाउंट है जो ट्रांसफ़र करेगा। एलिजिबिलिटी में भी आपको ध्यान देना दोस्तों, इंडियन होना ज़रूरी है और 18 साल से ऊपर भी होना ज़रूरी है। और तीसरे में आ रहा है आपकी जो मंथली इनकम है वो भी आपको यहाँ शो करनी है। ओके दोस्तों, और यहाँ आपको लिखाई दे रहा है इसने आपको जो एप्लीकेशन है अगर आप उसको स्टार्ट करते हो, अगर लोन लेते हो तो कैसे क्या सारी जानकारी इसने बताई, क्या क्या करना है। तो यही जो जानकारी महत्वपूर्ण रहती है यही आपको भरना रहती है। तो आपको फर्स्ट में जो दोस्तों इसको इंस्टॉल करना ना ये तो वाजिब बात है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, यानी OTP के माध्यम से आपको मोबाइल नंबर डालकर जो OTP जो आएंगे वो आपको डालकर आपको अकाउंट क्रिएट कर फिर तीसरे नंबर पर इसने बताया दोस्तों आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल कर देनी है। तो दोस्तों आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी जानकारी डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों अपनी जो एलिजिबिलिटी वो चेक होगी। उसके बाद चौथे नंबर पर इसने बताया दोस्तों अपलोड KYC डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो KYC डॉक्यूमेंट जैसे ID, एड्रेस प्रूफ एंड पैन कार्ड ये सारी आपको डाल देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको अपना जो बैंक अमाउंट का है एक E-voucher का भी रिक्वेस्ट होगा इसमें दोस्तों, आप वो ले सकते हो, उससे भी आपका जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम पड़ेगा और आपके अकाउंट में जो बैंक में है जो आपके पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें नीचे दिखाई देगा फीस एंड चार्ज। तो दोस्तों आपके जो फीस एंड चार्ज क्या क्या लगते हैं वो भी इस एप्लीकेशन में बताए हैं। और आपको एक मेल एड्रेस यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको कॉपी कर लेना ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम शिकायत करनी हो तो इस पर आप डाल सकते हो। फिर दोस्तों अपन पीछे की ओर आएंगे। पीछे की ओर आने के बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आप जैसे ही ओपन करते हो आपके सामने इस तरह का फेस आएगा, लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपको एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का फेस आएगा। तो यह आपको राइट का निशान लगाकर आपको फिर एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको फिर आगे की ओर बढ़ना है और फिर आपको एलो परमिशन पर क्लिक कर देना है। एलो कर देना 4-5 बार, सभी चीज़ें एलो कर अपने को आगे की ओर बढ़ना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ डालने के बाद वो OTP भी आएगा, आपने जो मोबाइल नंबर डाला उसका वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आगे की ओर बढ़ना है। आगे की ओर बढ़ने के बाद तो दोस्तों आपको OTP के माध्यम से इस एप्लीकेशन में फिर लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का फेस आएगा। तो दोस्तों आपको स्टार्ट लोन पर क्लिक करना है। तो उससे पहले आपको देख लेना कितना लोन अमाउंट जो आपको मिल रहा है। तो 60,000 का लोन अमाउंट दिखाई दे रहा है ऊपर,
और 95 दिन से लगाकर 365 दिन तक का लोन अमाउंट है और 0.05% डेज का इंटरेस्ट रेट बताया रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ कॉन्टेक्ट एज में भी लिखाई दे रहा नीचे, क्रेजी लोन डस पार्टिसिपेट इन प्रोसेस फॉर फ्रॉम थर्ड पार्टी क्रेजी ऑनलाइन हेल्प टू फैसिलिट रजिस्ट्रेशन। ओके दोस्तों, यहाँ आपको यहाँ क्लिक कर लेना, पहले इसकी भी जानकारी जान लेना है। प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर आपको माई लोन यानी आपको अपना जो लोन है वो दिखाई देगा। अगर आप जो लोन लोगे वो आपको यह दिखाई देगा, सक्सेस लोन भी दिखाई देगा, ओवर ड्यू रहेगा तो ओवर ड्यू दिखाई देगा, और फिनिश पे फिनिश जो लोन रहेगा वो दिखाई देगा। तो दोस्तों फिर पीछे की ओर आते हैं, पीछे की ओर आने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का फेस आएगा। तो स्टार्ट लोन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट लोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का फेस आ रहा है। तो आपको यहाँ अपनी जो आधार कार्ड की फ्रंट फोटो कापी है वो पे कर देना है। इस पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, दो बार क्लिक कर आपको फ़ोटो कैप्चर कर लेना है सही तरीके से। और यहाँ आपको जो बैग की फ़ोटोकॉपी सही तरीके से डाल लेनी है, फिर पैन कार्ड की डाल लेनी है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर आपको जैसे बताया मैंने पहले अबाउट डेज में वैसे वैसे आपको सारी जानकारी डाल लेनी है, अपना नाम वगैरह, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथली इनकम सोर्स, इनकम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी डालने के बाद आपके अमाउंट से जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको जानकारी सही तरीके से डालना है दोस्तों, ताकि कोई भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम पैदा नहीं हो, आपको सही तरीके से लोन मिल जाए फास्ट। और नहीं भी मिला तो दोस्तों बहुत सारे लोन एप्लीकेशन मैंने डाल रखे हैं, उनसे भी आप लोन ले सकते हो। फिर आपको दोस्तों पीछे की ओर जाना है, पीछे की ओर जाने के बाद दोस्तों आपको मेन चीज़ पर आना है, रिव्यू पर। तो दोस्तों रिव्यू पर आने के बाद दोस्तों आपको रिव्यू चेक कर लेना है कि कितने लोगों को लोन मिला है या नहीं। तो इसमें जो रिव्यू है वो दिखाई दे रहा है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आए हुए, एक्सपीरियंस द विजुअल टेस्ट एवरी टाइम है फेल्ड, व्हाट इज़ ए वेरी सिंपल एंड इंस्टेंट पेमेंट। तो इसमें काफ़ी जो कमेंट जो कर रखे हैं, काफ़ी सारे कंपनी के कमेंट भी और काफ़ी सारे लोगों कमेंट, तो लोगों ने काफ़ी जो इसमें जो कमेंट कर रखी है विथआउट टेकिंग इनटू रिजेक्टेड। तो दोस्तों जो ये इसने बताया वेरी गुड है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें एप्लीकेशन में कोई दिक्कतें भी बताई और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें नाइस ऐप भी बताया। तो काफ़ी सारे को लोन मिला और काफ़ी सारे को नहीं मिला दोस्तों। अगर दोस्तों आपको लोन नहीं मिला तो भी बताया, लोन मिला है तो भी मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं। यहाँ इसने बताया नाइस, इसने बताया रोस्ट। तो सभी को लोन नहीं मिलता, अपन ये भी जानते हैं सभी को लोन नहीं मिलता, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। ओके दोस्तों, तो आपको क्रिटिकल पर जाकर भी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है लोगों को इस एप्लीकेशन में आई हैं धीरे धीरे। एप्लीकेशन क्या मालूम आने वाले समय में एप्लीकेशन कितना लंबा चलता है और कितना लोन अमाउंट आपको आगे देगा, ये भी एक सोचने का विषय है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो और लोन मिलेगा, रिव्यू में भी अपन रिव्यू के आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से जो है लोन मिल रहा है। ओके दोस्तों, और दोस्तों हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए और लोन से रिलेटेड वीडियो और कम इंटरेस्ट वाली लोन वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले समय में आपको काफ़ी वीडियो मेरे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे और आप और हम इसी प्रकार हमेशा मिलते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूंगा एक अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।